हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट में। आपका रेलवे एग्जाम 2018 का ये ग्रुप डी का ऑफिशियल पेपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें आपको और 135 शिफ्टों का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 13,500 प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ सहित मिल जाएगा वीडियो के अंत में। तो प्लीज़ आपसे बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन होगा कि जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और रेलवे के पेपर के पल पल की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले स्टार्ट कर रहा था जीके से, तो जीके से ही क्वेश्चंस, मैं जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, साइंस के क्वेश्चंस कराऊंगा, लास्ट में मैथ्स के भी क्वेश्चन करा दूंगा, तो पूरा एनालिसिस होगा। तो पूरे क्वेश्चन देखेंगे। डैश आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछेंगे, मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की डैश रिफाइनरी को 1982 में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 MMTPA क्षमता के साथ शुरू किया गया था। तो आंसर 6 है, आंसर हो जाएगा 6 रिफाइनरी को 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो खेल जो है ना, भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी यंत्र के बारे में सच नहीं है? तो रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजित ऊतक है। तो ये सही नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया सही नहीं है। तो 6 से 8 लीटर एक वैसे व्यक्ति के लगभग रक्त होता है, 6 से 8 लीटर रक्त होता है, और संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है, और मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन तक है, मानव आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको देख सकते हो। 2017 में 32वीं बार संतोष ट्रॉफी जीतने वाले टीम का नाम क्या था? पश्चिम बंगाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन अभियान ICAN को 2017 का डैश प्राप्त हुआ है तो नोबेल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो देखिए, काला हिरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 बजे देखिए, ये क्वेश्चन दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए, पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो ये 18 यूनिट होगा। सभी को बताया फ्रेंड्स, H2O कैसे करते हैं हम लोग, H2O, तो यहाँ पर H2+O कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2+16 कितना, 18 हो जाएगा, 18 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दवी खंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है तो अमीबा का प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, सीधा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएँ हैं तो 6 उपधातुएँ हैं। सद्भावना के लिए यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लिली सिंह को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक आपका आंसर हो जाएगा। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? MS खान। तो 2017 में प्रकाशित पुस्तक YIM अ हिंदू के लेखक कौन है? शशि थरूर। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, वो पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्त्राव में डैश में प्रवेश करता है तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2018 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधीर चर्म कोशिका से त्वचा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरू के लिए भारत का अगला राजदूत कौन सा है? तो सुबराइडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन से है? तो दीपक करमारकर। 2016 में पोप फ्रांसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसने संतत्व प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा में संतत्व प्रदान किया गया था। रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा डैश मूल्य के सिक्के जारी किए थे, तो 100 रुपये के मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जो है ना किसके द्वारा मारा गया, पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? तो ये बाबर के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है तो घनत्व पर निर्भर करता है, सभी को पता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन एक जैसे हैं और एक भिन्न है, बेशक कुछ नहीं। तो कार्डिगन अलग है, कुर्सी में जलमारी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन देते हैं, बस आपको आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। एक सोलर सेल किससे बना होता है, तो देखिए सिलिकन से बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 kW इज इक्वल टू वॉट, तो 1000 वॉट हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। निम्न श्रृंखला में से अगला पद क्या ज्ञात कर, तो बहुत सिंपल से श्रृंखला है ये जो आपके रीजनिंग से है। निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है, तो जल जो है ना MgCl2 में विलय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ पर रीजनिंग में विस्थापन के परिवर्तन देर दूरी को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन दूरी को वेग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, परमाणु किससे प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, तो अर्थात एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है, तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, अर्थात दलहन एक फलीदार फसल है। किसी भी माध्यम का अपूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, एक से अधिक होता है, सभी को बताया फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो, हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।